गया नगर निगम कोविड 19 से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अब कोरोना काल में गया नगर निगम ने मृतकों के परिजनों को राहत दी है। अब कोरोना से मरे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों से लेकर कफन सहित दाह संस्कार के सभी अन्य सामग्री अब मृतक के परिजनों को नहीं देना होगा। सारा खर्च अब गया नगर निगम दे रही है। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखोरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार विष्णु शमशान घाट पहुंचे, जहां कंट्रोल रूम का जायजा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने विष्णु शमशान घाट का मुआयना किया। कोविड के मृतकों के परिजनों से निःशुल्क दाह संस्कार के बारे में जानकारी ली। बताते चले कि इससे पहले अंतिम संस्कार के लिए अधिक पैसे लगते थे, लेकिन निगम ने सभी सामानों की तय राशि लागू कर निःशुल्क कर दिया गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, साथ ही विष्णु शमशान घाट पर नगर निगम के कर्मियों की तैनाती भी की गई है। गया नगर निगम ने विष्णुपद स्थित कूपी पिंड बेदी के करीब एक काउंटर खोला है। ये काउंटर शमशान घाट जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। इस काउंटर पर कोरोना से हुई मौत का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते ही निगम कर्मी दो मजदूर अपनी तरफ से दे रहे हैं। यही नहीं, चिता सजाने के लिए भी नगर निगम की ओर से 9 मन की लकड़ी निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा हुमाद, कपूर, पुआल, देवदार, घी, अगरबत्ती, गुल्ली और पीताम्बरी भी निगम मुफ्त में मुहैया करा रही है। इस बारे में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान में निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अंतिम संस्कार में निगम 9,000 रुपये खर्च कर रही है। वहीं मैयत के कफन दफन हेतु सामानों के लिए 8,850 रुपये सारा खर्च नगर निगम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस संकट की घड़ी में गया नगर निगम परिवार की तरह सबके साथ है। वहीं दाह संस्कार के लिए मृतक के परिजन सुशील कुमार ने बताया कि मानपुर पटवा टोली के रहने वाले राजू कुमार की मृत्यु कोविड संक्रमित से हो गई। यहां दाह संस्कार के लिए लाया गया तो गया नगर निगम पहले से अंतिम संस्कार के लिए 9 मन लकड़ी सहित सभी सामग्री निःशुल्क दिए गए। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में निगम परिवार की तरह साथ दे रहा है। मेरी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जो सब था वो सब मिल गया। अच्छा, मृतक थे क्या, कोरोना पॉजिटिव थे क्या? हाँ। अच्छा, तो नगर निगम द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिली आपके? सब जो यहाँ का जो सिस्टम सब लकड़ी पीताम्बरी वगैरह सब मिला, लकड़ी कपड़ा वगैरह। नगर निगम आपको पहल किया पूरा। आपका नाम? सुशील कुमार। जो डेट की उनका क्या नाम था? राजू कुमार पटवा। कहाँ के रहने वाले? मानपुर पटवा टोली। ठीक, अपना परिचय बताइए। नहीं, जिसकी मृत्यु हो रही है, जो आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, जो लाश नदी किनारे फेंका हुआ है, हम लोग ने इस पर संज्ञान लेकर हम लोगों ने एक निर्णय लिए कि जो लाश जो लवारिस पड़े हुए हैं उसको नगर निगम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जलाने का प्रावधान कर रहे हैं। इसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो कैंप लगाए हैं, जो कोई कोविड 19 के द्वारा मृत्यु होती है उनको फ्री कॉस्ट ऑफ दाह संस्कार किया जाता है। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इससे जो गरीब तत्व का व्यक्ति है, जो असहाय हैं, उनके लिए ये योजना। हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, निगम के कई और कर्मचारी लोग भी हैं साथ में। हम लोग निरंतर ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवी के माध्यम से कि मानवता जो है वो तो मर रहा है, लेकिन मानव इंसान जो है मर रहा है, उसके साथ इंसानियत जो मर रहा है। बाप, माए, भाई, परिवार, किसी का लाश नदी में फेंक दे रहा है, कुछ उधर देखिए तालाब में फेंका हुआ है, ना उसका सही काउंटिंग हो रहा है, ना मृत्यु उपरांत जो एक बूंद पानी पैट होना चाहिए, दाह संस्कार होना चाहिए, जो मानव का एक संस्कार है। नहीं तो मानव से बड़े बड़े जानवर हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो बड़ा हो जाएगा। इंसान में इंसानियत है, मानवता है, गुण है, बुद्धि मान है, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए मानव महान है। लेकिन यहाँ मानवता घटने से ये हवास होते जा रहा है, बहुत गंभीर विषय है और समाज के लिए, मानव समाज के लिए बहुत अत्यंत मार्मिक बातें हैं। उसको देखते हुए हम लोग पहले से निगरानी तो रखते ही हैं। आज प्रैक्टिकल वेब में सैनिटाइजिंग, फॉगिंग नियमित शाम का बेला करने के पहले हम लोग घाट पर पहले भी आए थे, आज फिर आए शमशान।